हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। कॉस्ट चैप्टर चल रहा है, एवरेज कॉस्ट का मैं प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुकी हूँ। एवरेज कॉस्ट भी हमारे पास AFC और AVC प्लस इज इक्वल टू AC। तो एवरेज कॉस्ट भी एवरेज फैक्टर कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से बनती है। सो यहाँ पर अभी तक एवरेज कॉस्ट हमने पढ़ लिया है स्टूडेंट, आज मैं आपको मार्जिनल कॉस्ट कंप्लीट करवाऊंगी। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट में चेंज होता है व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। जब एक एडिशनल यूनिट को आउटपुट की एडिशनल यूनिट को बढ़ाया जाता है, उससे बढ़ने से जो मार्जिनल कॉस्ट में जो चेंजेस आता है वो हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। जैसे एक फॉर्मूला है कि मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन टू टोटल कॉस्ट, एडिशन किया जाता है टोटल कॉस्ट के अंदर ड्यू टू एडिशन ऑफ द आउट ऑफ द ड्यू टू वन ऑफ यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन। आपको पता है जब यदि एक यूनिट और बढ़ाया जाता है उसके द्वारा जो कॉस्ट में चेंजेस आता है उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। जैसे यहाँ एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इसे हम दो तरह से फॉर्मूले में देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें MC मतलब मार्जिनल कॉस्ट, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउट प्रोडक्शन यूनिट्स। तो इसमें आ जाता है टोटल कॉस्ट में जो चेंज आया, नंबर हमारे पास पहले वाला, और N-1 मतलब कि और ज़्यादा यूनिट और बढ़ाई तो उसमें से माइनस करने पे। सेकेंड फार्मूला आता है MC मतलब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट, डेल्टा का साइन होता है वो चेंज होता है, और चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में जो चेंज आया है वो उसके करने से टोटल कॉस्ट में जो चेंज आया है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। सो सपोज टोटल कॉस्ट, सपोज करते हैं हम टोटल कॉस्ट परचेजिंग यूनिट ऑफ 5 यूनिट ऑफ कमोडिटी इज 135 एंड 6 यूनिट हमने करी तो उसके बाद 180 आया। तो 180 में से यदि मैंने 135 माइनस करा तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट क्या आ गई? 45। सो ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट आता है। सो स्टूडेंट यहाँ पर एक बिहेवियर करते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट का क्या बिहेवियर है। जैसे हमें आउटपुट दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल कॉस्ट, हमें टोटल फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है? जो हमेशा फिक्स रहती है, 10, 10, 10, जो भी हमने पर यूनिट लगाई थी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? 0, जो कि आपको बताया था कि वो पहली यूनिट को काम करने पर भी 0 ही रहती है, जबकि फिक्स कॉस्ट वो हमेशा फिक्स रहती है। तो ये हमेशा यूनिट के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती रहती है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास टोटल वेरिएबल, टोटल कॉस्ट क्या होती है? इन दोनों को यदि हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फैक्टर कॉस्ट को प्लस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया? टोटल कॉस्ट आ जाती है। तो यहाँ टोटल कॉस्ट, इन दोनों की एडिशन से टोटल कॉस्ट आ गई हमारे पास। अब हम मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? जब फर्स्ट यूनिट है, आप देखेंगे ऊपर ये नीचे टोटल, मतलब कि ये तो हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखेंगे इस फॉर्मूले के द्वारा तो चेंज कितना आया? 20-10 इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी में जो चेंज आया 2 से 1, 1 इज इक्वल टू 10, तो हमारे पास आ गया 10। अब यहाँ पर अगर हम करते हैं तो इस ढंग से अगर हम निकालते हैं, 28 में से 20 माइनस करा तो कितना आ गया? 10। 34 में से 8 माइनस करा 6, और 30 टोटल कॉस्ट 38 में से 34 माइनस करा 4, 42 में से 38 माइनस करा फिर 4। ऐसे ही हम मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं। सो शोज द टोटल कॉस्ट इंक्रीज 20 व्हेन फर्स्ट यूनिट इज प्रोड्यूस हेयर। यहाँ 20 अगर हम फर्स्ट यूनिट बढ़ाते हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी बढ़ जाती है? 20। सो फर्स्ट यूनिट 10 थी, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द सेकेंड यूनिट विल बी 28 में से यदि मैंने 20 माइनस करी तो मेरा क्या आ गया? सिमिलर 8। सो मार्जिनल ऑफ अदर यूनिट्स कैन ऑल्सो बी वर्क आउट। सो इट इज एविडेंट टू द टेबल दैट इज बिगिनिंग मार्जिनल कॉस्ट एज एवरी एडिशनल यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हमेशा घटता हुआ आ रहा है। सो डिमिनिशिंग, बट आफ्टर ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, जब इसके बाद जब आउटपुट बढ़ता है तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? वो इंक्रीज हो जाएगी। ये भी इंक्रीज हो जाती है डिमिनिशिंग रेट से। सो स्टूडेंट यहाँ हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि डिमिनिशिंग रेट से किस ढंग से वो ऊपर आती है। नेक्स्ट कर्व कैसा बनता है इसका? इसका कर्व जैसे उसमें AC बना था, हमारा AC हमारा U बना था, अब हमारा ये भी ऐसा ही बनेगा, बट ये थोड़ा सा कर्व लिए हुए होता है।
सो इलस्ट्रेट द बिहेवियर ऑफ मार्जिनल कॉस्ट. क्या करेंगे इन दिस फिगर, आउटपुट इज शोज ऑन द एक्स एक्सिस. यहाँ पर आउटपुट है, यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट हमारी है. अब यहाँ पर एम सी मार्जिनल कॉस्ट है, वो इनिशियली मार्जिनल ट्रेंड टू द टेल फॉल ऑन, ये हमारा नीचे गिरता हुआ होता है, परंतु एक स्तर के बाद ये एवरेज मार्जिनल कॉस्ट वापस इंक्रीज हो जाती है. सो हम यहाँ पर कह सकते हैं राइजिंग एम सी कॉरस्पॉन्डिंग टू फॉलिंग एम पी. एम पी मतलब मार्जिनल व्हेन द डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ द फैक्टर. और ये एक फैक्टर को लगाने पर उसकी जो क्षमता होती है काम करने की वो कम होती जाती है, तो वो नीचे आ जाती है. अकॉर्डिंग एम सी इज यू शेप एज इन फिगर 7. अब आता है वेरिएबल कॉस्ट ओनली. एम सी में क्या वेरिएबल कॉस्ट ही होती है हमेशा. सो यहाँ देखेंगे इट नीड्स टू बी नोटेड दैट द एम्फेसिस दैट एम सी इज एन एडिशनल कॉस्ट. वो एडिशनल कॉस्ट कौन सी होती है, जब एक यूनिट के बढ़ने पर जो कॉस्ट एक्स्ट्रा आती है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं. बाई डेफिनेशन एडिशन कॉस्ट कैन नॉट बी फिक्स कॉस्ट, क्योंकि जब ही आएगी, जब मार्जिनल कॉस्ट कब होती है, जब वेरिएबल कॉस्ट होती है. तो ये तो हमें पता है कि मार्जिनल कॉस्ट को हम टी वी सी भी कह सकते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी हम कह सकते हैं. जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, यदि मैं इसमें से इसको माइनस करूँ तो भी यही आएगा. आप इसको ध्यान से देखिए, 10 में से 0, 18 में से 10 किया तो भी 8 आया, 24 में से 18 माइनस करा तो भी 6 आया, 32 में से. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड ऑल्सो ये मार्जिनल कॉस्ट ऑल्सो. सो हम यहाँ पर इसको भी कवर कर सकते हैं कि ये पूरा कर्व भी ऐसा ही बनता है. नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन एवरेज मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट. रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एवरेज मार्जिनल एंड टोटल कॉस्ट में क्या रिलेशन होता है. सो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं स्टूडेंट, अब आपको मैं थोड़ा सा ये भी बता दूँ कि ये क्या है. सो इसके अंदर हम हैविंग डिस्कशन द एस्टिमेट ऑन द बिहेवियर ऑफ एवरेज मार्जिनल एंड टोटल कॉस्ट. अब तीनों के बारे में हम रिलेशन पढ़ेंगे. वी नो प्रोसीड टू डिस्कस हाउ दीज कॉस्ट आर रिलेटेड टू ईच अदर, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है. वी आर फोकसिंग ऑन टू एम्फेसाइज, दो तरह से देखेंगे, एक तो रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट में देखेंगे और रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट में. सो यहाँ हम देखेंगे टोटल एरिया कवर बाय एम सी. अब आप देखेंगे कैसे द कॉरस्पॉन्डिंग एनी लेवल ऑफ द आउटपुट मेजर्स टी वी सी दैट लेवल ऑफ आउटपुट. मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट. ये हमें पता है, अगर हमने यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ये पूरा एरिया कवर कर रहा है, ये पूरा एरिया कवर कर रहा है, तो इसका जो कर्व बन रहा है वो ऐसा. अब यहाँ फिगर देखेंगे, ओ एल लेवल ऑफ आउटपुट, यहाँ पर ये ओ एल लेवल है, जो ओ से एल तक जो लेवल है वो आउटपुट का लेवल है. सो हम यहाँ कह सकते हैं टी वी सी एरिया ऑफ ओ एल एस के, ओ एल एस के ये टोटल आउटपुट एरिया हो गया हमारा, जो कि हम कहते हैं टी वी सी. तो इसे हम इसको एस्टिमेट करते हैं कि सिग्मा एम सी, मतलब कि जो चेंजेस आया है मार्जिनल कॉस्ट में आउट ऑफ ऑल यूनिट. अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे पीछे की तरफ की एवरेज. अब यहाँ हम रिलेशन देखते हैं एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का. अब एवरेज कॉस्ट का देखते हैं, टोटल आउटपुट दिया हुआ है हमें 0, 1, 2, 3, ठीक है, आउटपुट दी हुई है. इसके बाद टोटल कॉस्ट हमें पता है कि कितनी है. एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू. तो हमारा इसमें से अगर इसको करा तो मेरी इन्फिनिट आया, इसमें से इसको करा तो 20 आया. तो एवरेज कॉस्ट अगर हमने निकाल ली, इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर से इसको माइनस करेंगे. 20 में से 10 गया, सॉरी पहली यूनिट है जीरो ही आएगी, 20 में से 10 गया 10, 20 में से फिर बाद में गया 28 में से, तो 8. मार्जिनल कॉस्ट निकाल ली, एवरेज कॉस्ट निकाल ली. अब हम इनका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करेंगे. कैसे करते हैं, सबसे पहले फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन विथ रिगार्ड ऑफ द रिलेशन बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट. अब सबसे पहले ए सी फॉल्स कैसे होता है, एवरेज कॉस्ट फॉल्स, बट एवरेज कॉस्ट भी गिरती हुई होती है और मार्जिनल कॉस्ट भी, परंतु क्या होता है, कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ पर ये दोनों समान होती है. तो ये 7th यूनिट ऐसी है जहाँ पर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे को 8, 8, 8 आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं. सो यहाँ हम कह सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का क्या रिलेशन है. सो यहाँ पर आप एक मिनट
सो स्टूडेंट मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का रिलेशन बता रही थी. सो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, सो मैं इसको एक्सप्लेन वापस दूसरे वीडियो में करूँगी. टिल देन कीप वॉचिंग. थैंक यू.